दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट पे 40 से 50,000 का ट्रैफिक पर डे चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहना। मैंने अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को इंक्रीज किया और कैसे मैंने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को इंक्रीज किया, कैसे मेरे आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और आप भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके डेफिनेटली अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो। और देखो, ब्लॉगिंग में ट्रैफिक है तभी आपको बेनिफिट मिलता है, ब्लॉगिंग में ट्रैफिक है तो आपका गूगल एडसेंस इजीली मोनेटाइज हो जाता है, और ट्रैफिक है तभी आपको जाके यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होता है अगर आप गूगल एडसेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो तो कन्वर्जन के लिए आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। अगर ट्रैफिक नहीं है तो ओवरऑल आपकी वेबसाइट एक तरह से अनसक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हो तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना, और मैं ये हवे में बात नहीं करने वाला हूँ। डेफिनेटली आप देखोगे जब इस वीडियो को कंप्लीट तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इन सभी तरीकों को अगर हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ा सकते हो, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इस वीडियो को बस एक बार पूरा देख लेना और अपने कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो। जो भी आपका डाउट है मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और देखो, बहुत सारे लोग यार ऐसे ऐसे डाउट्स पूछते हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आप उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाओ देखो यार, आपके मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखो, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है और ब्लॉगिंग आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको ही फायदा होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाया जा सकता है। देखो यार, वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं, और 7 मेथड का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो, 40-50,000 पर डे का ट्रैफिक ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका यहाँ पे भाग्य अच्छा रहा और जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बढ़िया से काम किया ना, तो आप 2-3 लाख तक का पर डे का ट्रैफिक ले सकते हो अपनी वेबसाइट पर। बस इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैक्सिमम लोग वीडियोज ही नहीं देखते हैं और वो सोचते हैं कि अरे यार यही फालतू चीज़ें बताएगा। मैं फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये तरीका सभी वर्क करने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आते हैं सबसे पॉइंट नंबर 1 पर। सबसे पहला तरीका है कि रैंक ऑन गूगल। जी हाँ, अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे गूगल में मेरे आर्टिकल रैंक हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एडसेंस CPC कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे देखिए, फीचर्ड स्निपेट में मेरा यहाँ पे bloggingskill.com वेबसाइट रैंक हो रही है। गूगल एडसेंस CPC कैसे बढ़ाएं, 7 बेस्ट तरीका 2023 का, ठीक है। तो ये देखिए, एडसेंस CPC कैसे बढ़ाएं, इस कीवर्ड पे मेरा यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, ये भी देख सकते हैं। फीचर्ड स्निपेट में यहाँ पे हमारा bloggingskill.com रैंक कर रहा है, और ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे मैं यहाँ पे रैंक कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, गूगल में आपके आर्टिकल रैंक हो सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा आपको आर्टिकल रैंक कैसे करना है। अभी देखो, तीसरा यहाँ पे देखो, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग आप कैसे शुरू कर सकते हो, ये देखो, फीचर्ड स्निपेट में ये भी टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है। उसी तरह मैंने एक अपने कंटेंट से हटकर, अपने निश से हटकर थोड़ा आर्टिकल लिखा था, वीडियो देखकर पैसे कमाए। तो यहाँ पे आप देखो ना, ये देखो, कंटेंट से हटकर जब आप काम करते हो तो पहले पेज पे तो मेरा यहाँ पे रैंक कर रहा है, लेकिन देखो थोड़ा नीचे है ये, इस पर उतना ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। देखो, वीडियो देखकर पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो ये भी मेरा पहले पेज पे रैंक कर रहा है, लेकिन यार पहले पेज पे रैंक करना भी बहुत बड़ी बात होती है, धीरे धीरे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। देखो, तो यहाँ पे मैं गूगल में रैंक कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, रैंक करने के लिए आपको जाना है मेरे चैनल पर। और यहाँ चैनल पे जब जाओगे तो नीचे की तरफ आओ, देखो मेरे आर्टिकल गूगल में फर्स्ट रैंक कैसे कर रहे हैं, आप कैसे रैंक कर सकते हो, ये वीडियो आप बेसिकली देख लेना। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे, इसे आप जब देखोगे ना तो पूरा रैंकिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे गूगल में आपको रैंक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब यहाँ पे आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों, यूज पुश नोटिफिकेशन एंड टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर पुश सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने सब्सक्राइबर को कलेक्ट करो अपनी वेबसाइट पे। मान लेते हैं आपके साइट पर डे का 100 से 200 का यहाँ पे यूजर बेस है, यूजर आ रहे हैं, और अगर उसमें से 40-50 लोग आपके पुश नोटिफिकेशन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर रहे हैं, या टेलीग्राम ने आपने वहाँ पे लिंक दे रखा है ज्वाइन करने के लिए, वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस पर कितने हैं सब्सक्राइबर अभी, 1.26K, ठीक है, इतने सब्सक्राइबर है। और मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो शेयर करता हूँ। अगर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट पब्लिश करता हूँ और यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ,
तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंस्टेंटली ट्रैफिक मिलेगा। और जब आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक मिलता है, डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं समझाता हूँ। अगर देखो पुश नोटिफिकेशन है तो भी आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाता है और वहाँ से भी डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है। टेलीग्राम में अपने पोस्ट के लिंक को शेयर करते हैं तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है इंस्टेंटली। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब यहाँ से ट्रैफिक जाने लगता है तो आपके जो पोस्ट होते हैं वो थर्ड वाले पॉइंट, जैसे कि गूगल डिस्कवर है, इसमें जाने लगते हैं। जी हाँ, गूगल डिस्कवर फीड में जाने लगते हैं और आपको फिर वहाँ से मिलता है लाखों में ट्रैफिक। जी हाँ, गूगल डिस्कवर में जब आपके पोस्ट जाएंगे तो लाखों में आपको ट्रैफिक मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प क्या कर रहा है, आपका ये पुश नोटिफिकेशन और टेलीग्राम चैनल, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, हमारा गूगल डिस्कवर है। तो गूगल डिस्कवर में तो आने का मैंने तरीका बता दिया कि ये तरीका आप यूज करो, पुश नोटिफिकेशन और टेलीग्राम। लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है अगर आपको गूगल डिस्कवर में अपने ब्लॉग पोस्ट को लाना है। मैं यहाँ पे वेब स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ब्लॉग पोस्ट को आप गूगल डिस्कवर में ला सकते हो। उसके लिए देखो, गूगल डिस्कवर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे गूगल डिस्कवर के लिए आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने पोस्ट को और गूगल डिस्कवर में आ सकते हो। देखो, गूगल डिस्कवर का यहाँ पे फुल वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप देख लेना और आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे गूगल डिस्कवर में आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल डिस्कवर में मैंने प्रूफ के साथ भी दिखाया है कि कैसे मेरे पोस्ट गूगल डिस्कवर में आने लगे और साइट भी बिल्कुल नई थी, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेना, मिस मत करना, आपके पोस्ट गूगल डिस्कवर में जाने लगेंगे। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया, आते अपने चौथे पॉइंट पे। ये चौथा पॉइंट है गेस्ट पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी साइट है bloggingskill.com। अगर इस पे मुझे कोई गेस्ट पोस्ट दे रहा है, और देखो यहाँ पे उसे कितना फ़ायदा होगा, अगर कोई बंदा गेस्ट पोस्ट मुझे देगा तो उसे ये फ़ायदा होगा क्योंकि मेरे आर्टिकल गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं जब मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट उसे भी होगा क्योंकि उस जब मेरे पोस्ट गूगल के टॉप पेज पर रैंक करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसे भी ट्रैफिक मिलेगा, जो उसको लिंक मिलेगा, बैकलिंक्स मिलेगा, उससे उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको ऐसे वेबसाइट को टारगेट करना है जिसके आर्टिकल गूगल में रैंक होते हैं और उसे एक हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट लिख के देना है। देखो, बहुत से लोग आपसे पैसे चार्ज करेंगे और बहुत से यहाँ पे लोग फ्री में आपको गेस्ट पोस्ट देने का मौका देंगे। तो आप दो क्वालिटी आर्टिकल दो। अगर आपके पास बजट है तो आप गेस्ट पोस्ट यहाँ पे पैसे देकर भी कर सकते हो। अगर नहीं बजट है तो फिर आप रैंकिंग वाले पे ध्यान दो, गूगल डिस्कवर पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें करो। अब यहाँ पे हमारा पांचवा पॉइंट है, वो है गूगल वेब स्टोरीज। जी हाँ, आपको अपने नीश टॉपिक से रिलेटेड गूगल वेब स्टोरीज बनाते रहना है। देखो, गूगल वेब स्टोरीज डाउन होता है, थोड़े अप होता है, और ये अप डाउन लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता रहेगा गूगल वेब स्टोरीज से लगातार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कभी ट्रैफिक आपका घटेगा, कभी बढ़ेगा, ठीक है। कभी कभी बीच में एक महीने तक कुछ भी नहीं ट्रैफिक आएगा। तो ये काम करते रहना है, ये धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहता है। तो गूगल वेब स्टोरीज पे जब आपकी नाइस साइट नहीं है, आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो गूगल वेब स्टोरीज जब आप बनाओगे तो आपको इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो यहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हो, अपनी साइट के ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो। अब देखो, छठवां पॉइंट है हमारा, 4 से 5 पोस्ट डेली लिखना है। अगर आप अपनी साइट पे 4 से 5 पोस्ट डेली नहीं लिख रहे हो तो गूगल डिस्कवर में जाने के चांसेस कम है, आपके जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसके इंडेक्स होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप फ्रिक्वेंटली पोस्ट डाल रहे हो 4 से 5 पोस्ट डेली, तो आपके यहाँ पे वेबसाइट पे गूगल के क्राउलर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके पोस्ट जो होते हैं वो तुरंत इंडेक्स होते हैं, तुरंत गूगल डिस्कवर फीड में जाते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपको ट्रैफिक इतना भर भर के मिलता है कि पर डे का लोग यहाँ पे $100, $200 ईजिली अर्न करने लगते हैं। तो ये आपको काम करना है भाई, ये काम आप करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे सातवां हमारा पॉइंट है फेसबुक एड्स। ये देखो, पेड तरीका है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का, लेकिन इसका इस्तेमाल करके लोग कम पैसे में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 100 रुपये में, 200 रुपये में लोग 10-10 हज़ार का ट्रैफिक लाते हैं, और यहाँ पे एडसेंस की मदद से वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा छापते हैं। तो ये तो फेसबुक एड्स हो गया। अगर आप फेसबुक एड्स सर्च करोगे गूगल यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। तो ये थे तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। ट्रैफिक है तो पैसा है,
तो मोनेटाइज करो अपनी साइट को और ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, और वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। धन्यवाद।